तुम भी यही चाहती हो ना बबली? तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो ना? तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से नहीं, मैं तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। गुड बाय। हेलो, हाँ आप ही को बोल रही हूँ, स्टॉप, हिलना मत, मैं आ रही हूँ, आगे मत जाना। रुको, क्यों आ रही हो तुम? तुम भी मरना चाहती हो? इस तरफ आइए। क्या कर रही हो? क्यों रोका तुमने? आपने उस दिन अनजाने में मेरी चैरिटी के लिए काफी हेल्प की, तो अब मुझे धकेलने में तुम मेरी हेल्प करो ना। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? एक दिन मेरे साथ रहिए। सॉरी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। हेलो, मैं भी चीप नहीं हूँ। तो कॉस्टली हो? अरे ये आदमी है कि घन चक्कर, मैं जा रही हूँ। पर तुम्हें मेरे साथ दिन गुजारना था ना। हाँ, और उस एक दिन में मैं आपको जीने के हजार रीजंस दूंगी जिससे आप खुदकुशी का ख्याल खुद ब खुद छोड़ देंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे पास ख से बनने वाला शब्द नहीं है। एक दिन मरने का ख्याल छोड़ दीजिए। ओके ओके, चलता हूँ। मेरे मरने के ख्याल से अगर तुम मर गई तो तुम्हारी बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाऊंगा? थैंक यू जी, मैं बच गई। लोग मरने वालों की इच्छा पूरी करते हैं, यहाँ मरने वाला तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, बट ऑन वन कंडीशन। क्या कंडीशन? अगर तुम मेरी लाइफ में होप ना क्रिएट कर सकी तो तुम खुद मुझे यहाँ कल ड्रॉप करोगी, क्योंकि बबली मुझे पूरा कंगाल कर चुकी है। ओके डन। चाओ जानकी मैडम। चाओ पीटर। नो पीटर, नाउ आई एम पीटर गणेश, प्लीज सिट डाउन मैडम, आई विल गेट यू समथिंग। पीटर गणेश, इस नाम के पीछे एक लंबा फ्लैशबैक है। मुझे बोर करने के लिए बचाया है। एक दिन तो मिला है, उसमें पीटर गणेश, शंकर गणेश की फ्लैशबैक की कहानियां सुना रही हो। सब्र से काम लीजिए, पॉइंट पे आती हूँ ना। पीटर का भी आप ही की तरह सुसाइड केस था। सेम स्पॉट? सेम स्पॉट नहीं, ऑन द स्पॉट मैंने उसे बचाया है। मैं उसे बचाकर घर ले आई और पूछा, तेरी प्रॉब्लम क्या है पीटर, मुझे बताओ। तब वो बोला, अलग अलग तरह की बिजनेस करके वो दिवालिया हो गया। मुझे तो वो शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पार्टनर ने उसे चीट किया। हेला, एग्जैक्ट बबली बदमाश की तरह। एग्जैक्टली, मैंने कहा पीटर जिंदगी खत्म करने के लिए हिम्मत चाहिए, वही हिम्मत जिंदगी बनाने में लगाओ। एक बार में सुधर गया वो। जब मैंने उसका बनाया हुआ टेस्टी खाना खाया तो मैंने उसे ये रेस्टोरेंट खोलने को कहा। उसे एक गणेश की मूर्ति दी और भरोसा दिया। इसी भरोसे ने बिजनेस ऊपर उठा दिया, प्रॉब्लम को नीचे गिरा दिया। लाइफ इज ब्यूटीफुल, डेथ इज हॉरिबल, ये तो समझ गया। आपके भेजे में घुसा या नहीं? जब फटी हुई गेंद मिले तो मत घबराओ, जिंदगी में गम हो तो उन्हें भी अपनाओ। फटी हुई गेंद में पैच लगाओ और खेलो, वैसे ही जिंदगी में भी पैच लगाओ और मुस्कुराओ। देखो, वो जिंदगी में पैच लगाकर जी सकता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम फाइनेंशियल है। मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लव प्रॉब्लम। हाँ मैं जानती हूँ, वो पीटर तो एक बार में सुधर गया था, लेकिन आपको वक्त लगेगा। ये पुतला मुझे क्या सीख देने वाला है? सब्र रखो। चाओ जानकी मैडम। चाओ जेम्स। ये जेम्स पहले एक जेब कतरा था। तुमने इसमें क्या खासियत देखी? पेशेंस। ये अपने शिकार के लिए चुपचाप एक जगह घंटों खड़ा रह सकता था। समझ गया, तो तुमने तरकीब निकाली जिससे ये पैसे कमा सके। करेक्ट। पहले जेम्स लोगों की जेब से पैसे निकालता था, अब लोग खुद अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं। देखो। हाय दीदी, ये कौन है? ये रामराज है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची होती तो ये ऊपर पहुंच गए होते। रामराज, ये मेरे कजन इंकी पिंकी। और बाप का नाम डोंकी। बुरा मत मानो, ये सदमे में है, लवर ने धोखा दिया है। शक्ल से तो खुद धोखेबाज लगता है। देखा इसने क्या कहा, जिसे लड़की धोखा दे वो बदतमीज हो ही जाता है। उस बबली बदमाश के पीछे पीछे मैं इस देश में आया, जेब में पैसे नहीं बचे हैं, पर जैसे उस बदमाश के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि कोई मुझे गले लगा ले और कहे रामराज सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराओ, हिम्मत से काम लो। मगर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे देखो, परेशान नहीं होते, मैं हूँ ना, डोंट वरी। देखो कैसे दीदी से चिपक रहा है। बदमाश ने मेरी लाइफ को फुटबॉल की तरह किक मार दी। फुटबॉल से मुझे याद आया, जीवन एक खेल का मैदान है, अगर गेंद खो जाए तो क्या हम खेलना छोड़ देते हैं? नई गेम खरीद लेते हैं। अगर बबली बदमाश नहीं मिली तो दुखी मत हो, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, क्रिकेट बॉल जितनी छोटी है। बास्केटबॉल जितनी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने वाले एक इंसान के बारे में बताती हो तुम्हें? उसे किसने परेशान किया? भगवान ने किया। 3 साल की उम्र में माँ गुजर गई और 13 साल की उम्र में पिताजी। और 23 साल की उम्र में? इतना गैप नहीं था, अगले ही साल उसके अंकल आंटी भी गुजर गए। अरे बाप रे, इतने लोगों को खाकर वो अब भी जिंदा है, कौन है ये राक्षस? अब क्या बताऊं, मैं पहाड़ की चोटी पर योगा करने गया था, पैर छूने झुका, उसे लगा मैं सुसाइड कर रहा हूं। और वो मुझे अपने घर ले आई, काम न धाम मस्ती है, लाइफ हो गई है फुल हैप्पी। लगता है कोई आया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मुकुल। प्लीज कम। एनी प्रोग्रेस? आपके इंस्पिरेशन से मेरे मरने की इच्छा अब जीने में बदल गई है।
मैंने भी अपने अंदर आपकी तरह दूसरों की मदद करना सीख लिया। वेरी गुड, तो फिर तुमने क्या किया बताओ? चर्च जाकर पुअर चिल्ड्रन को पास्ता बांट कर आया मैम। पास्ता बांट क्या है? इंडिया में दान में जैसी रोटी फेमस, इटली में भिखारियों में पास्ता फेमस। वेरी नाइस, और फिर? फिर बगल वाली को गोद में लिया। मुकुल! मेरा वो मतलब नहीं था मैम, वो आकर मेरे गोद में गिर गई। तुमने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल नहीं, केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो स्लिप हो गई थी। वो क्षण परम आनंद का था। मैं आपकी आत्मकथा के दूसरे चैप्टर पर हूँ, आपकी गेंदों वाली फिलोसॉफी पर मैम, बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। मुकुल, मुझे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, तुम लिखते रहो। खिलौनों की दुकान खोली है जो तू गेंद बेच रहा है? हे, मैडम की गेंद की फिलोसॉफी नहीं जानता तू? ये मूर्ख कौन है? ये है रामराज, वनवास जाए। आत्महत्या कर रहे थे, लवर ने चीट किया। मैडम क्या हुआ? मुझे बबली बदमाश की याद आ गई मैडम, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको। नहीं नहीं मैडम, मुझे रुकना। नहीं मैडम, मैं जाना चाहता हूँ मैडम। कुछ नहीं होगा मैडम, मैं मरना चाहता हूँ। जल्दी गेंद के नीचे आके कटना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। छोड़ दो मैडम, जाने दो इसे, वो कहीं भी जाकर मरे। मुकुल, मैं ऐसा सोचती तो तुम होते यहाँ? सॉरी मैडम, ये रात को यही रुकेंगे, समझ गए? मैं क्या करूँ? तुम इनका ख्याल रखोगे? मेरी मिसालें, मेरी फिलोसफी, इन्हें समझाओ, इनमें जिंदा रहने की आस जगाओ, समझ में आया? ये अभी मर जाएगा। समझ गया मैम। देखो रामराज, बचपन में हम पेंसिल से लिखते थे, पता है क्यों? ताकि गलती हो जाए तो मिटाकर सुधार सके। अब बड़े हो गए हैं तो पेन से लिखते हैं, गलती करने का नो चांस। बवाल थॉट है मैम। मैम अगर आप कहें तो मैं ये पेंसिल वाली बात इसमें डाल दूं। मुकुल, ऐसी मेरी कितनी बातें लिखते रहोगे? अच्छा लिख लो रामराज। मैम, मैंने जो कहा उसके बारे में रात भर सोचते रहना। पेंसिल के बारे में मैम? करेक्ट। अच्छा, मैं सुबह मिलती हूँ। रात को बबली की याद आ गई तो मिस्टर मुकुल विल टेक केयर, ठीक है ना मुकुल? गुड नाइट। गुड नाइट। आई विल मिस यू मैम, गुड नाइट। कौन है तू? आत्महत्या करनी है तो चला करके दिखा, चल। भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाता है, खाल खींच लूंगा। दारू कहाँ है? कौन सी दारू? वोडका। खुशबू से ब्रांड भी पहचान लेते हो? आंखें देखकर कैरेक्टर भी बताता हूँ। चालू चीज है। क्यों बे, पूरी फैमिली मर गई? कोई नहीं मरा, सब जिंदा है। देख मुकुल, तुझे जरूरत है पैसों की और मुझे जरूरत है जानकी की। 10,000 यूरो, आज से तू मेरा आदमी है। आपने मुझे खरीद लिया। देखो रामराज, उस तरफ मौत है, इस तरफ जिंदगी है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैम मिसाल कमाल की है, घर जाकर आत्मकथा में घुसा देता हूँ। बंद करो, जानते हो ना मुझे तारीफ पसंद नहीं है। अच्छा लिख लेना। देखो राम, प्रॉब्लम एक गेंद की तरह होती है, उसे आंखें खोलकर पास से देखोगे तो बड़ी दिखेगी, अगर दूर फेंक दोगे तो छोटी दिखेगी। गेंद तो हाथ से फेंक दूंगा पर बबली को उठाऊंगा कैसे? वो तो भैंस जैसी। तो ये बात है, तुम्हें बबली बदमाश से प्यार नहीं, नफरत है। नफरत निकाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। गेंद की हवा निकलती है, नफरत की हवा कहाँ से निकालो? जानकी के पास सब सॉल्यूशंस है। मुकुल यहाँ आओ। यस मैम। समझो ये बबली बदमाश है, सारी भड़ास निकाल दो। मैम मैंने ब्रेकफास्ट हैवी किया है और नहीं खा सकता। ये ट्रीटमेंट है, प्लीज कोऑपरेट। रामराज अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। ले ली ना, अब बबली बदमाश की सारी बदमाशियां याद करो, याद करो, याद करो। कम ऑन, गुस्सा लाओ, गुस्सा लाओ। अब आंखें खोलो। तुम आ गई बबली बदमाश हैं? मैम तुमने बहुत टॉर्चर किया है मुझे, अपना तो नहीं माना पर मुझे अपना नौकर बना लिया। जब भी तुम अपना घर बदलती थी तो सामान ढोने के लिए मुझे कुली बनना पड़ता था। जब भी तुम्हारे घर में मेहमान आते तो खाना मुझसे पकवाती थी, मैं उनके झूठे बर्तन धोता और तुम सब मेरे पैसों से ऐश करते। गणेश, रमेश, सुरेश, प्रकाश सबके साथ जाकर थिएटर में फिल्म देखती थी तुम, और मुझे घंटों थिएटर के बाहर खड़ा रखती। भाई क्या वो अभी इटली में है? सॉरी मैम। ये फोन दो मुझे, मेरे दिए इस फोन से दूसरों के साथ इश्क फरमाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तू भी जब फाड़ दे। मैम ये क्या हुआ? ये तो कमाल हो गया, मेरी सारी नफरत चली गई और मेरा फोन ले गई। तो क्या हुआ, फोन ही था ना? रामराज का गुस्सा चला गया, बहुत बड़ी बात है। मैम हाँ? एक ही दिन में मरने का ख्याल चला गया, 10 दिन साथ रहेंगे तो जीने की राह भी ढूंढ लूंगा, प्लीज मैम। दीदी 10 दिन तक खाली नहीं है, उनको इंडिया वापस जाना है। मैं इंडिया जाऊँ तब तक रामराज हमारे साथ रहेंगे। दीदी इनकी तुम्हें गेंद खेलने के लिए चाहिए, इन्हें गेंद जीने के लिए चाहिए। एग्जैक्टली मैम, आप हर गेंद को विकेट कीपर की तरह झट से लपक लेती हैं। बादशाह तुम्हारा काम कहां तक पहुंचा? जानकी मिल चुकी है, कुछ ही दिनों में काम पूरा हो जाएगा। खबर है कि साधु भाई के लोग इटली पहुंच चुके हैं। I'll take care of that. तुम बस पापा को संभालना। ठीक है। यार तुझे हाथ क्या लगा है, तू तो गला पकड़ रहा है। तुम बच गए वरना मुझे पीछे से छूने वाला आज तक नहीं बचा। हाय,
मीट द स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मिलते हैं आज के सेलिब्रिटी से, जो है एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने लटकता भूत, भूतनी ने मारा पिशाच, फुटबॉल खोपड़ी का इस तरह की डराकर हंसाने वाली फिल्में बनाई है। तो चलिए बात करते हैं भूतिया नागनासुर जी से। नागनासुर जी नमस्कार। नाग जी, लोग जब स्टोरी लिखते हैं तो वो किसी हिल स्टेशन या विदेश में जाकर लिखते हैं, आप कहाँ जाते हैं? भूत मंडली के बीच में। व्हाट? यस, मैं स्टोरी सेटिंग भूत लोगों के साथ करता हूँ। डायरेक्टर को स्टोरी के साथ मिलकर लिखनी चाहिए, भूतों के साथ क्यों? राइटर्स बात नहीं समझते, भूत लोग समझ जाते हैं। सुना है कि आपकी हर फिल्म की हीरोइन से आपका चक्कर चलता है। ये मेरे काम करने का तरीका है, मेरे चक्कर चलाने से वो मुझ पर इतना चिल्लाती है कि एकदम भूतनी जैसे लगने लगती है। बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं कि वो जहाज के कप्तान हैं, आपकी क्या राय है? ये बकवास है। मेरे हिसाब से डायरेक्टर जहाज का कैप्टन या टैक्सी का ड्राइवर, हवाई जहाज का पायलट या ट्रेन का इंजन ड्राइवर नहीं होता। तो फिर? चोर होता है। चोर? जो डायरेक्टर सिनेमा में लड़कियों को आधे कपड़े पहनाकर बॉक्स ऑफिस के जरिए लोगों की जेबों से पैसे चुराए, ऐसा चोर। इतने गंदे ख्याल हैं आपके। सुना है कि आपकी फिल्म भूत की खुजली के विलन का कैरेक्टर माफिया डॉन येड़े रॉबर्ट की जिंदगी से लिया गया है। यस, चोरंदेरा साला। तो जो भी आपने फिल्म में दिखाया वो सच है? आपके लिए येड़ा रॉबर्ट एक डॉन होगा, पर मेरी खोज ये कहती है कि वो एक फनी आदमी है। हा? एक ब्रोकर, जोकर, लोफर, डफर। एक्चुअली वो अपने इनिशियल डेज में कुत्तों की खुजली साफ करता था, और जैसे ही उसके बॉस का बुरा टाइम आया तभी उसका टाइम बदला और वो डोंकी से डॉन बन गया। उसने कभी आपको धमकी भरा फोन नहीं किया? हाँ, एक बार 4 करोड़ की मांग की थी उस गधे ने। मैंने कहा कि तेरे पिछवाड़े में रॉकेट लगा के आग लगा दूंगा, और उसने डर के मारे फोन ही काट दिया। सर, आपकी अगली फिल्म भूत की खुजली पार्ट 2। पार्ट 1 तो फ्लॉप हुई थी, इसीलिए तो मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ये भी हुई तो पार्ट 3 बनाऊंगा। ऑडियंस जरा बच के, पार्ट 2 आ रहा है। तो ये थी नागनासुर जी से एक खास मुलाकात। I want his phone number. ये एंकर मेरा बचा कुचा दिमाग खा गई। हेलो, येड़ा रॉबर्ट बोल रहा है। सर, जरा तेरे येड़े डायरेक्टर को फोन दे। हाँ, अभी देता हूँ सर। मेरे फोन से लड़कियों पटाता रहता है। लड़की नहीं है, कोई और है। येड़े रॉबर्ट का फोन है, फोन काट तू क्या? अबे हट सर। हाँ रॉबर्ट, क्या बोल रहे हैं? क्या बक रहा था? क्या बक रहा था टीवी पर? ऊपर नीचे से तेरे को दोन छोटा कर देगा। अबे गलीस, 2 दिन के बाद शूटिंग के लिए इटली जा रहा हूँ। तेरे पास अगर गुंडे हैं, उनके गन में गोली है, टिकट का पैसा भी है, तो वहीं भेज देना। अभी तेरे भागा, अभी तेरे भागा। ये क्या सर, आपको ऊपर जाने की इतनी जल्दी है क्या? माफिया से ऐसे बात करते हैं? ए, माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड, मतलब जमीन के नीचे। मिट्टी में लौटने वालों से कैसा डर? जब मैं ऊपर वालों की इज्जत नहीं करता, उन्हें ठेंगे पे रखता हूँ, तो नीचे वालों को तो गटर में ही भेजूंगा। सुनो जानकी, जानकी कौन है? वो क्या है कि डायरेक्टर भूतिया नागनासुर आए हैं, उन्हें मुझे लोकेशन दिखानी है, पर इस समय विमल कौसर भी यही है। कैन यू प्लीज मैनेज? नो प्रॉब्लम अंकल, मैं संभाल लूंगी। थैंक्स बेटी। मुकुल, लेट हो रहा है, मैम के पास पहुंचना है। हाँ चल रहा हूँ बाबा, पर एक बात जान लो, जानकी मैडम को पटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन काम करने में ही मुझे मजा आता है।